हेलो फ्रेंड्स, लीलू एक्स्ट्रावेगेंजा चैनल के क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट में हमने अब तक एक से एक तेज तर्रार ऑलराउंडर्स देखे हुए हैं। ये ऑलराउंडर्स ही होते हैं जो टीम कॉम्बिनेशन को एक सही दिशा में बैलेंस करके रख देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कोई भी कप्तान अपने ऑलराउंडर्स के चलते अपने टीम में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या फिर एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं ऑलराउंडर्स के मैटर्स के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आज हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स के उन दो टीमों की जिनके कप्तान कपिल देव और इमरान खान होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर्स के टीम ए की कमान संभालेंगे कपिल देव और ऑलराउंडर्स के टीम बी की कमान संभालेंगे इमरान खान। अब आगे डिटेल में जानते हैं इन दो टीमों के बारे में। कप्तान कपिल देव के टीम ए की विकेट कीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे एडम गिलक्रिस्ट और कप्तान इमरान खान के टीम बी की विकेट कीपिंग की कमान संभालेंगे महेंद्र सिंह धोनी। अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बारे में कहा जाए तो इन दो विकेट कीपरों ने अपने अपने टीम के लिए विकेट कीपिंग के साथ साथ बैटिंग और टीम की कप्तानी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। ओपनिंग बैटिंग की अगर बात करें तो टीम ए के लिए ओपन करेंगे धुआंधार बल्लेबाज विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट और शाहिद अफरीदी। वहीं दूसरी तरफ टीम बी के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे धुआंधार बल्लेबाज सनत जयसूर्या और शेन वॉटसन। बैकअप ओपनर के रूप में टीम ए के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे वीरेंद्र सहवाग और टीम बी के लिए एज अ बैकअप ओपनर होंगे सौरव गांगुली। वहीं अगर वन डाउन बैटिंग की बात की जाए तो टीम ए के लिए वन डाउन बैटिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे जैक कैलिस और टीम बी के लिए वन डाउन बैटिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे शाकिब अल हसन। ये दोनों टीमें ऑलराउंडर्स के होने के कारण ओपनिंग बैट्समैन, वन डाउन बैट्समैन और स्पिनर्स को छोड़ने के बाद टीम स्टैंडिंग्स कुछ इस प्रकार होगी। टीम ए के लिए नंबर 4 पर आएंगे युवराज सिंह, नंबर 5 पर होंगे बेन स्टोक्स, नंबर 6 और 7 पे होंगे ऑलराउंडर्स इयान बोथम और कपिल देव, नंबर 8 और नंबर 9 पर होंगे क्रिस केन्स और लांस क्लूजनर, वहीं नंबर 11 पर होंगे वसीम अकरम। वहीं दूसरी तरफ टीम बी के लिए नंबर 4 पर आएंगे सर गैरी सोबर्स, नंबर 5 पर आएंगे कप्तान इमरान खान, नंबर 6 और 7 पर होंगे विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी और सर रिचर्ड हैडली। वहीं नंबर 8 और नंबर 9 पर आएंगे एंड्रू फ्लिंटॉफ और आंद्रे रसेल और नंबर 11 पर होंगे शॉन पॉलक। अब बढ़ते हैं स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। टीम ए के लिए स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे डैनियल वेटोरी और उन्हें स्पिन डिपार्टमेंट में असिस्ट करेंगे युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी। वहीं दूसरी तरफ टीम बी के लिए स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे रविंद्र जडेजा और उन्हें स्पिन में असिस्ट करेंगे सर गैरी सोबर्स, शाकिब अल हसन और सनत जयसूर्या। वहीं बैकअप स्पिनर के रूप में टीम ए के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे रविचंद्रन अश्विन और टीम बी के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे क्रिस हैरिस। तो दोस्तों, ये रही हमारी ऑलराउंडर्स से भरी हुई दो तगड़ी टीमें। इन दोनों टीमों को अगर समराइज किया जाए तो टीम ए के लिए ओपनिंग बैट्समैन होंगे विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट और शाहिद अफरीदी, वन डाउन बैट्समैन होंगे जैक कैलिस, फोर्थ और फिफ्थ पोजिशन पे होंगे युवराज सिंह और बेन स्टोक्स, वहीं सिक्स्थ और सेवन्थ पोजीशन पर होंगे इयान बोथम और कपिल देव, एट और नाइन पोजीशन की जिम्मेदारी संभालेंगे क्रिस केन्स और लांस क्लूजनर। इस टीम के मेन स्पिनर होंगे डैनियल वेटोरी और उन्हें स्पिन में असिस्ट करेंगे युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी। नंबर 11 पर होंगे वसीम अकरम। वहीं 12, 13, 14 और 15 प्लेयर्स के रूप में होंगे वीरेंद्र सहवाग, एंजेलो मैथ्यूज, रविचंद्रन अश्विन और मिचेल स्टार्क। वहीं दूसरी तरफ टीम बी के लिए ओपन करेंगे अबड़तोड़ बल्लेबाज सनत जयसूर्या
और शेन वॉटसन। नंबर 3 की कमान संभालेंगे शाकिब अल हसन। फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन की जिम्मेदारी संभालेंगे सर गैरी सोबर्स और कप्तान इमरान खान। सिक्स्थ और सेवन्थ पोजीशन पर आएंगे विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी और सर रिचर्ड हैडली। एट और नाइन पोजीशन की जिम्मेदारी संभालेंगे एंड्रू फ्लिंटॉफ और आंद्रे रसेल। इस टीम के मेन स्पिनर होंगे रविंद्र जडेजा और उन्हें स्पिन में असिस्ट करेंगे सर गारफील्ड सोबर्स और शाकिब अल हसन। नंबर 11 की पोजीशन पर होंगे जॉन पॉलॉक। 12th, 13th, 14th और 15th प्लेयर्स के रूप में होंगे सौरव गांगुली, माइकल बेवन, क्रिस हैरिस और मिचेल जॉनसन। तो दोस्तों ये थे हमारे ऑलराउंडर्स से भरे हुए तो तगड़े टीम कॉम्बिनेशंस। इसमें अगर स्पिन कॉम्बिनेशन देखे जाए तो टीम ए के लिए स्पिन ऑप्शंस होंगे 3 और टीम बी के लिए स्पिन ऑप्शंस होंगे 4। बाकी पूरी की पूरी टीम इस ऑप्शन से भरी हुई है। दोस्तों हमने अब तक इन ऑलराउंडर्स को अपने टीम के लिए मैच जिताने में एक अहम योगदान देते हुए देखा है, लेकिन अगर ये सभी ऑलराउंडर्स एक साथ मिलके अपनी अपनी टीमें बना ले तो सोचिए कितना सारा मज़ा हम फैंस के लिए वेट कर रहा होगा। तो इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर हमने ये वीडियो खास आपके लिए बनाकर एक नया टीम कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है। आपका टीम सिलेक्शन क्या होगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीलू एक्स्ट्रावेगेंजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।